पे ब्लॉग आज है 6 सितंबर, और कल हम लोग आए थे नूबरा वैली से सीधा लमायरू लेह क्रॉस करते हुए, और हमने यहाँ पे स्टे ले लिया था। ये देख लो रूम, तो ये स्टे हमने ले लिया था, और रात में सोते सोते काफ़ी लेट हो गया, तो हम लोग सुबह उठे हैं काफ़ी लेट से। अभी बज रहे हैं 10:30 और हमें साढ़े ग्यारह तक यहाँ से निकलना है। आज का स्टॉप होगा कारगिल, और कारगिल रुकेंगे, कारगिल एक्सप्लोर करेंगे। कारगिल में मतलब वॉर मेमोरियल है, इसके अलावा तो आई डोंट थिंक और कुछ है, अगर होगा तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ से लगने वाले 2 घंटे कारगिल जाने के लिए, तो अभी हम लोग सामान वगैरह सारा सेट करके निकलेंगे। और ये तो ऐसा लगता है अब हमारा यूनिफॉर्म हो गया है, पूरा ब्लॉग इसी में बन जाएगा लगता है ऐसा। तो अभी हम लोग क्या है कि नहा धो के बिल्कुल रेडी हैं, ब्रेकफास्ट का वेट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। सामान भी ऑलमोस्ट पैक हो गया है, बस थोड़ा सा बाकी है, वो पैक होगा और हम लोग निकल जाएंगे। और ट्रिप अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, तो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से कारगिल। मतलब इतना शांत शांत लग रहा है ना, क्योंकि उधर बहुत हलचल थी, बहुत सारी बाइक्स दिख रही थी। कह रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है ट्रिप ख़त्म हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि यार सही में हो गया ट्रिप ख़त्म। तो यार सारे हमने जितने भी एडवेंचर थे सब ख़त्म करके आ गए यार, अब ऐसे लग रहा है कि ये बस वापस असली दुनिया में जा रहे हैं। और यूनिफॉर्म पहन के देखो, लेटर सामान वगैरह आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सारा सेट है। और ये देखो रूम, और रूम से पीछे का व्यू देखो, कितना ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ से हमने फाइटर जेट्स भी देखे जाते हुए, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलिंग काफ़ी चल रहा है, पता नहीं आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, आवाज़ें भी बहुत आ रही है। तो सीन ऐसा है कि वहाँ पे नूबरा वैली में, लेह में, पैंगोंग में, वहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स दिख रहे हैं ये वो, तो वहाँ पे हलचल बहुत थी हर जगह पे। यहाँ है कि यहाँ से लोग जा रहे हैं तो ट्रिप बस शुरू हुआ, तो लोग यहाँ पे रुकते नहीं है ज़्यादा, और हम लोग क्या कि वापस जा रहे हैं। तो अपने लिए बस एडवेंचर में सिर्फ एक जोजिला पास बचा है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है। तो अभी वो मतलब कल नहीं परसों क्रॉस होगा वो जोजिला पास। तो जो भी है जैसा भी है बढ़िया है, ट्रिप बढ़िया रहा, मज़ेदार रहा। और कल हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, इसलिए सोने में थोड़ा सा लेट हो गया, और इसलिए आज हम लोग थोड़ा लेट से निकलेंगे। 2 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे फटाफट निकल जाएंगे। सो वी आर ऑल सेट एंड रेडी टू लीव फ्रॉम लमायरू टू कारगिल, और सामान वगैरह सारा सेट हो गया है, टॉप बॉक्स, सैडल बैग, टैंक बैग, और ये प्रणय का एक एक्स्ट्रा बैग है, वो भी सब सेट हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग को निकलना है, 2 घंटे 2.25 घंटे लगेंगे। धूप इतनी तेज़ है कि क्या बताऊँ, हालत ख़राब हो जाएगी, इतनी तेज़ धूप है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, झेलना पड़ेगा। और यहाँ से रास्ता अच्छा मिलेगा, ख़राब नहीं मिलेगा, तो वो ख़राब रास्ते की टेंशन अब है नहीं। अच्छा स्टे था, कंफर्टेबल स्टे था, और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल था हमारे लिए, 600 रुपये का स्टे था। तो सब बढ़िया है, चलते हैं कारगिल की तरफ। जय माता दी। माथुर साहब चलो निकलते हैं फिर, जय माता दी, जय माता दी। चलो ये नीचे से हम लोग आए थे और ये ऊपर हमें जाना है। ऑलमोस्ट 11:40 हो चुका है टाइम, तो थोड़ा सा लेट निकले हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे कारगिल। और कारगिल में ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि एक वॉर मेमोरियल है वो देखना है, लेकिन उस जगह का जो इम्पोर्टेंस है ना वो अलग लेवल पे है, वो एक्सपीरियंस करना है मुझे। वहाँ पे लड़ाई हुई थी, द्रास सेक्टर में हुई थी, ये सब चीज़ें, और वहाँ पे आर्मी मूवमेंट भी काफ़ी होगा। यहाँ पे तो पेट्रोलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मतलब एयर पेट्रोलिंग। और ये देखो इतने स्टीप चढ़ाई और हेयर पिन बेंड सब एक साथ, तो नज़ारे भाई साहब ख़त्म नहीं हुए हैं अभी तक, नज़ारे चलते रहेंगे। जब हम लोग श्रीनगर से निकल जाएंगे तब तक नज़ारे चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, प्लेन आ जाएगा। श्रीनगर यहाँ से 310 किलोमीटर्स है एंड कारगिल इज़ 105। तो मैप में देखो ये सारा आपको खाली इसमें बेंड 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 हेयर पिन बेंड ही दिखेगा, और कुछ है नहीं यहाँ पे, ये देखो। तो इसलिए हम लोग का स्पीड बहुत ज़्यादा धीरे है, और खाली बेंड दिख रहा है, बहुत दूर तक बेंड दिख रहा है मुझे। तो अभी अपन को धीरे 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 जाना पड़ेगा, बाद में जाके देखते हैं रोड सीधा आता है कि नहीं, फिलहाल तो सिर्फ बेंड है भाई। अच्छा हुआ कि कल हम लोगों ने लमायरू में स्टे ले लिया और कारगिल तक कंटिन्यू करने का वो नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेंड्स हैं, हालत ख़राब हो जाती है कल चलाने में। एक तो अभिल है, ऊपर से बेंड है, और यहाँ पे देख लो कुछ नहीं है, आइसोलेटेड है, और
पूरे रेतीले पहाड़ हैं और कुछ तो दिख नहीं रहा है फिलहाल। जहाँ तक देखोगे सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे और उन पहाड़ों के बीच से हम निकल रहे हैं मक्खन रोड में। बिल्कुल ये कोई सा पास होगा, आई एम नॉट रियली श्योर कौन सा पास है, कुछ तो भी है इसलिए लोग यहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे हैं। यहाँ पे आर्मी का भी कुछ सैटेलाइट सिस्टम जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, तो ज़बरदस्त लगता है ये सब देख के पहाड़ों के बीच में। जैसे हम लोग मूवीज़ में देखते थे सब, रियल लाइफ में देख रहे तो बहुत मज़ा आ रहा है। वेलकम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल, वाह जबरदस्त। और यहाँ पे एक कोई विलेज है जिसका क्या तो जियाबू ऐसे करके कुछ लिखा होता है, द इनविजिबल विलेज, क्योंकि ऐसे आते जाते विलेज आपको दिखेगा नहीं। एक रास्ता है, कट के रास्ता जाता है और वो ऐसे पहाड़ों के बीच में है तो दिखेगा नहीं आपको, इधर से मैप पे भी नहीं दिखेगा, वो इनविजिबल है भाई साहब, इनविजिबल। यहाँ से और 41 किलोमीटर्स है कारगिल, और आज अपना स्टॉप कारगिल में नहीं रहेगा, द्रास में रहेगा, क्योंकि जो वॉर मेमोरियल है वो एक्चुअल में कारगिल में नहीं है, द्रास में है। मुझे ऐसा मिसकंसेप्शन था कि वो कारगिल में है, इसलिए तो द्रास में है तो फिर कारगिल रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है कारगिल में। तो कारगिल क्रॉस करके हम लोग द्रास चले जाएँगे और स्टे लेंगे द्रास में। अब लग रहा है हम लोग कारगिल पहुंच गए हैं, देख लो। यहाँ पे आर्मी पोस्ट है लेफ्ट राइट दोनों साइड। बहुत तगड़ा विंड ब्लास्ट है जो कि बाइक को अगेंस्ट में पुश कर रहा है और हम लोग उसको आगे बढ़ाने में मशक्कत कर रहे हैं। ये जो आप राइट साइड में देख रहे हो ये पूरा कारगिल टाउन है और मुझे इस टाउन में सिर्फ मिलिट्री दिख रहा है और कुछ नहीं। ये देखो भाई साहब कितना ज़्यादा फ्लो है रिवर में नीचे, और यहाँ से लेना है अपने को लेफ्ट सिटी के अंदर। सो ये है अपना ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन प्रसार भारती। यहाँ पे हमें एक अंकल से मिलना है जो कि प्रणय के रिलेटिव हैं, उनसे मिलके फिर हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। तो फिलहाल के लिए नज़ारे ले लो भाई साहब, पहाड़ों के बीच में रेडियो स्टेशन भी है भाई, मजाक चल रहा है क्या? हाँ ठीक है सर, बाय। तो ये ऑल इंडिया रेडियो का कैंपस है,
यहाँ पे स्टेशन है कारगिल में, और यहाँ से ही जो भी यहाँ का ब्रॉडकास्ट होता है सब यहीं से होता है। यार एक बार इंटरकॉम चेक करता हूँ, रुको। सो हम लोग निकल चुके हैं कारगिल सिटी से बाहर, और अभी यहाँ से द्रास है 60 किलोमीटर्स, और टाइम लगने वाला है 1 घंटा 15 मिनट, 4:41 यानी 4:41 को हम लोग पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे वैसे पेट्रोल स्टेशन है लेकिन हमने पता किया तो द्रास में भी है, तो हम जाके द्रास में रिफ़िल करा लेंगे। हमें कैश की बहुत सख्त ज़रूरत है, पैसे हमारे हो चुके हैं ख़त्म, कैश निकालना हो गया ज़रूरी। लेकिन तो अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारे एटीएम दिखे लेकिन वहाँ पे बाइक लगाने का अलाउंस नहीं था, मतलब कि वहाँ पे नो पार्किंग थी, और वहाँ पे रिकवरी वाली जो व्हीकल है वो भी घूम रही थी और अनाउंस भी कर रहे थे, तो इस वजह से हम लोगों ने वहाँ पर बाइक रोक के पैसे नहीं निकाले। अब चलो भगवान भरोसे द्रास में देखते हैं। और यहाँ पे अंकल ने बताया कि जो स्काई है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लू दिखती है, एंड लिटरली हमें दिख भी रही है वो। ऑलमोस्ट अबाउट टू एंटर द्रास नाउ, और मैप में तो और 5 किलोमीटर दिखा रहा है लेकिन जो माइलस्टोन है उसके हिसाब से और 1 किलोमीटर था, विच मीन्स कि थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो द्रास शुरू हो जाएगा। और अपने को सबसे पहले क्या करना है, अपने को सबसे पहले लेना है स्टे लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे वॉर मेमोरियल। और यहाँ के हालात देख के लग नहीं रहे कि यहाँ पे एटीएम मिलेगा हमें। द्रास का मार्केट है आई गेस, मेन मार्केट यही होगा, अब इससे बड़ा तो कोई मार्केट होगा नहीं यहाँ पे, तो कर लो दर्शन द्रास मार्केट के। बाकी तो टोलोलिंग गेस्ट हाउस, ग्रैंड स्नो लैंड। सो इट्स 5:30 इन द इवनिंग एंड वी हैव टेकन अ स्टे इन द्रास, और द्रास में स्नो आइलैंड करके एक होटल है, उसमें छोटा सा ही है गेस्ट हाउस टाइप का, उसमें हमने स्टे ले लिया है। और अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वॉर मेमोरियल, जाने के लिए तैयार हो गया, सनस्क्रीन लगाया है, लग रहा बहुत ज़्यादा लग गया है, चलो कोई बात नहीं मैनेज हो जाएगा। और ये जो रूम कॉस्ट हमें पड़ा है ये 1000 का पड़ा है, और 1000 के हिसाब से रूम इज क्वाइट गुड। ये देखो रूम, ये हमने सामान पूरा फेंक दिया है, बट अभी वापस आएंगे तो सब हम लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे वॉशरूम है, और बेस्ट पार्ट पीछे से व्यू बड़ा अच्छा है, ये देखो देखो क्या ज़बरदस्त व्यू है, अच्छे से दिखाता हूँ आपको, ये देखो है ना ज़बरदस्त व्यू। तो
तो अभी फाइनली हम लोग द्रास में हैं और कल हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे श्रीनगर के लिए। अपना राइड काफ़ी बढ़िया रहा, कारगिल में रुके, फिर अब द्रास आ गए हैं, जा रहे और भी मुरैल घूमने के लिए, तो उसके लिए एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा। इस वाले ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार, हैव फन, स्टे सेफ, बाय बाय।